हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति सैनी, राजकीय बालिका वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पाली रैणी से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपके सामने द्विघात समीकरण प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण, इसके बारे में समझाऊंगी। देखो, द्विघात समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात कितनी हो? दो। ऐसे समीकरण ने क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पे तो एक्स क्या है? चर। और ए बी सी ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ए एक्स का गुणांक, बी सी का गुणांक कुछ भी नहीं है, ठीक है, सी का गुणांक बराबर जीरो। देखो, एक्स की इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? दो। तो इस समीकरण को क्या नाम देंगे? द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों की संख्या कितनी होगी? x के कितने मान होंगे इसमें? दो। कितने मान होंगे? दो, ठीक है। जब x के दो मान होंगे, देखो, और जब हम b को मान करके क्या कर देते हैं, जब b बराबर अगर जीरो होता है तो क्या हो जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। देखो, इसमें x का गुणांक कुछ भी नहीं, इसमें एक्स का पद नहीं है ना इसमें। अब देखो, ये समीकरण क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण, मतलब इसमें ओनली सिर्फ क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम इसके मूलों की कुछ प्रकृति भरते हैं। जैसे कि एक तो इसमें सूत्र चलता है मूल निकालने का। एक तो गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि अपन बहुपद वाली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। एक होती है इसमें धराचार्य। देखो, धराचार्य विधि क्या? धराचार्य विधि से हम एक्स का मान कैसे निकालते हैं? धराचार्य विधि से, श्री धराचार्य विधि से एक्स का मान कैसे निकालते हैं? एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन में टू ए। ये क्या है? श्री धराचार्य विधि का सूत्र। एक्स बराबर ये होता है, एक बार जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो एक एक्स का मान एक ही तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस यहाँ पर अगर हम प्लस की जगह क्या ले माइनस, तो एक मान एक्स का यहाँ से जाएगा। कितने मान हो जाएंगे? दो, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखो, मूलों की प्रकृति कैसे निकल, जैसे कि समीकरण तो क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। लेकिन इसमें मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? जब बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो। क्या है? ग्रेटर देन जीरो। तो मूल कैसे हो जाएंगे? मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, मतलब कि अलग अलग, ठीक है। कैसे मूल होंगे? मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी क्या हो जाए? बराबर में जीरो। तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक व क्या होंगे? बराबर में जीरो है तो मूल कैसे होंगे? समान। दोनों मूल कैसे होंगे आपस में? बराबर। इसी तरीके से अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी क्या है? लेस देन जीरो। तो क्या हो जाएगा? मूल काल्पनिक। क्या होंगे मूल? काल्पनिक। काल्पनिक कैसे होंगे मूल? काल्पनिक, ठीक है। ये समान है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? समपाती। मतलब कि जब मूल वास्तविक समान है, मतलब कि एक रेखा के ऊपर ही क्या है? दूसरी रेखा। ये क्या है? संपाती भी होते हैं। इसमें देखो क्या है? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि भिन्न भिन्न। जैसे कि एक रेखा है तो इसको ये दूसरी रेखा ऐसे काट रही है, तो इसके मूल कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है? जैसे कि मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। जैसे ये रेखा है और ये इसकी समांतर रेखा है, बताओ ये आपस में कभी काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे ना। तो इसमें क्या हो जाएंगे? मूल संभव नहीं है। वही मूल कैसे जाएंगे? काल्पनिक, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मूलों के रूप में समीकरणों को कैसे लिखते हैं, जैसे कि इस समीकरण के मूल क्या हैं? द्विघात समीकरण है तो मूल भी कितने होंगे? दो। माना कि मूल क्या है? अल्फा और बीटा। अब अगर अपन को दिया है कि अपन को मूल दे दिया और अपन से ऐसे बोल दिया कि समीकरण को द्विघ
कि इन मूलों को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्या होता है, समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा में एक्स प्लस कहते हैं मूलों का गुणल फल बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर 0। ये समीकरण क्या है, मूलों के रूप में द्विघात समीकरण। ठीक है,